उत्तराखंड की धामी सरकार ने जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित करवाए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी ये हेल्थ एटीएम लोगों के काम नहीं आ रहे। कहीं हेल्थ एटीएम खराब है तो कहीं ऑपरेटर के बिना संचालन बंद पड़ा हुआ है। ऐसे ही दो हेल्थ एटीएम भारत तिब्बत सीमा पर बसी अंतिम नगर पालिका जोशीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाए गए थे, जो बीते 3 महीने से खराब पड़े हैं। गजब तो यह है कि इसे लगाने वाली कंपनी भी अब इन हेल्थ एटीएम को ठीक करने से पल्ला झाड़ने लगी है। भारत तिब्बत सीमा पर बसी अंतिम नगर जोशीमठ का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली का दंश झेल रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों का अभाव है तो वहीं मरीजों की विविध जांचों की 24 घंटे सुविधा देने के नाम पर लगाए गए दोनों हेल्थ एटीएम बीते कई महीनों से मात्र सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। बता दें कि एक हेल्थ एटीएम की कीमत 10 लाख रुपए के लगभग है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में अप्रैल माह में बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले ही दो हेल्थ एटीएम लगाए गए थे, जिन्होंने बामुश्किल 3 महीने तक काम किया। उसके बाद दोनों ही एटीएम खराब हो गए। अब इन खराब एटीएम को सुरक्षित रखना भी स्वास्थ्य विभाग के लिए खासी चुनौती बन गया है। पहाड़ों के चिकित्सालयों में शासन स्तर से भेजे गए हेल्थ एटीएम यदि सही काम करते तो ये पहाड़ की स्वास्थ्य सुविधा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते थे, क्योंकि इन हेल्थ एटीएम से ईसीजी, ब्लड प्रेशर, हेमोग्लोबिन समेत 30 जांचें तुरंत हो सकती हैं। लेकिन अफसोस कि जोशीमठ सीएचसी में लगाए गए दोनों हेल्थ एटीएम महीनों से खराब पड़े हैं। तो वहीं चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर गौतम भी मानते हैं कि इन दोनों हेल्थ एटीएम के खराब होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। कहते हैं कि दोनों हेल्थ एटीएम खराब होने की जानकारी ऊपरी स्तर पर दी जा चुकी है। ये हेल्थ एटीएम यात्रा शुरू होने से पहले मार्च के महीने में हमारे जोशीमठ में आए थे, और जब यात्रा शुरू हुआ तो फिर यात्रियों को भी बहुत फायदा हुआ इसमें, क्योंकि पूरे बॉडी का चेकअप हो जा रहा था। तो शुरुआत में जब ये एक दो बार खराब हुआ तो हमें फोन भी किया, इंजीनियर आए, उन्होंने चेकअप किया, फिर से सही किया। बट इधर एक दो महीने से ये हमारे यहाँ का खराब पड़ा है, जिसकी हमने सूचनाओं पर दे दिया। सर, इस हेल्थ एटीएम से बॉडी के कौन कौन सी बीमारियों के चेकअप वगैरह हो जाते थे? जनरल चेकअप, बॉडी का जनरल चेकअप आप कर सकते हैं इसमें। जैसे एक मशीन है ईसीजी भी, उसमें फैसिलिटी है, ईसीजी भी कर सकते हैं। जैसे कि जिन भी सेटअप है वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन भिलंगवाल की रिपोर्ट।